Mars Airman. So guys, what we'll be doing today is that we'll be actually reviewing a book that Mars Airman and I have read a few days back, and the book is by Mark Manson, the number one seller of New York this year. His book is about a book about hope. So we'll be discussing with that. And so Mars Airman, I will be beginning off with you. Please tell the audience the synopsis of this book. Not addressing the synopsis, but the opening, it starts with the uncomfortable truth, or it really makes you re-evaluate and revisit your beliefs and principles. Okay, uncomfortable truth, if you look at a cosmic level, at a large scale, aaj tak kitne log aa chuke hain duniya mein, millions and billions and trillions of people have came to life and they have died. We don't know the stories, we don't know, like we know that how they existed, unka lifestyle kya tha, but we don't know individual stories. और इट एड्रेसेस के हम लोग भी इसी तरह आएंगे और चले जाएंगे, एंड नो वन रिमेंबर्स अस. तो इट रियली गिव यू गूज बम्स रियलाइजिंग के हाउ स्मॉल यू आर. Emo Newton, who is basically in an alternate universe growing up, you know, the laws of emotions. And after this part, the book deals with the thinking mind and a feeling brain, a connection between both of them. So this is what actually this book is all about. So Mars Airman, tum batao tumhe is book ke bare mein sabse achhi cheez kya lagti hai, jisne tumhe kaha ki ha yaar ye book aisi hai that ye dusron ko bhi padhni chahiye. Dekho, shuru mein isne uncomfortable truth ko address kiya, aur uske baad jis tarah hope se isko link kiya hai, कि होप इज़ द ओनली थिंग विच इज़ मेकिंग अस लिव राइट नाउ. ना कि इफ़ वी आर नॉट प्रोमिस्ड हेल और हेवन आफ्टर वी डाई, तो लोग रूल्स को क्यों ओबे करेंगे, लोग चोरियाँ करना नहीं शुरू कर दें, लोग एक दूसरे का ख्याल क्यों रखेंगे. और इसी तरह से इस चीज़ को इसने एड्रेस किया. और जो मेरा फेवरेट पार्ट है, रिलीजन के बारे में हमेशा हम लोग थोड़ा घबराते हैं बात करने में, और इसके बारे में बात करना इतना आसान नहीं. और जिस तरह इसने एवेल्यूएट किया है और एक जगह रखा है रिलीजन को स्टडी करके, नॉट ओनली रिलीजन इन सेंस ऑफ इस्लाम, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बट के कुछ लोगों के लिए मनी इज़ गॉड, कुछ लोगों के लिए लव इज़ गॉड, और इस तरह से जो इसने पाइल अप किया इन चीज़ों को. तो इसने रिलीजन को मेरे सामने जब मैं पढ़ने लगा हूँ तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. स्पिरिचुअल रिलीजन्स, जिसमें हमारे बिलीफ सिस्टम, सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो भी ग्रीक मेथोडोलॉजीज वगैरह हैं. फिर दूसरे स्टेप पे तुम्हारे पास आता है आइडियोलॉजिकल रिलीजन, जिसके अंदर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म, फेसिज्म वगैरह आ रहे हैं. और तीसरा इंटरपर्सनल रिलीजन, जिसके अंदर तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारा स्पाउस है, बच्चे, ये स्पोर्ट्स हीरो या सेलिब्रिटीज़ जिनको तुम फॉलो करते हो. जाने अनजाने में हम लोग वी हैव मेड गॉड इट्सेल्फ, ना कि मनी इज़ द गॉड, या इस तरह से. What I like about this book is that it deals with the subconscious mind, right? तो मुझे इस बात सबसे अच्छी बात इस बुक की लगती है कि it caters an issue, a social issue that we people still consider a taboo, the mental health. मतलब हमारे पास mental health तो ज़्यादा से इतनी importance नहीं दी जाती, चीज़ें नहीं दी जाती. And what I feel like is that this book is ahead of its time. मतलब ये book शायद इस दौर के लिए नहीं, आने वाले अगले दौर के लिए था. When people will realize that mental health is actually a serious problem. अगर कोई इससे सफ़र कर रहा है तो मतलब कि इसका इलाज होना चाहिए. हम सोचते हैं नहीं यार, मेंटल हेल्थ कोई नहीं है, अमीरों के चोचले और कुछ नहीं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इस बुक ने इस इशू को बड़े प्यारे तरीके से कैटर किया कि मेंटल हेल्थ किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती है, क्या कर सकती है हम लोगों को. तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड को डील करने वाली बात है ना, ये इस बुक की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है. और जब एक जाहिर सी बात है, एक चीज़ है अगर उसका मतलब एक अच्छी बात है तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ होगी भी बुरी, क्योंकि कोई बुक परफेक्ट नहीं हो सकती जाहिर सी बात है. तो माज अहमद, तुम्हें इस बुक की कौन सी ऐसी बात है सर तुम इख्तलाफ करते हो, एंड यू फील लाइक हां दिस इज सम व्हाट आई. देखो, डिसएग्रीमेंट के लिए मैं सिर्फ एक जुमला बोल दूंगा, जिसका एक चैप्टर का टाइटल है कि सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन. आई टोटली डिसएग्री विद दैट. और दूसरी तरफ मुझे एक बात जो इस बुक की थोड़ी सी, जहाँ मैं कुछ पॉइंट से बोर हुआ, कि एक फिनोमेना समझाने के लिए इसने जो स्टोरी बिल्डअप की, बहुत पुरानी, जैसे एंशिएंट टाइम्स में से स्टोरी बिल्डअप करते करते ज़्यादा टाइम लिया, और उस तरफ मैं बोल हुआ, मगर वो भी इस बुक के लिए नेसेसरी था. जिस तरह उसने उस
टाइम के वाक़यात को आज की प्रॉब्लम्स के साथ इशू किया। देखो जिस टाइम हम लोग अभी रह रहे हैं, अगर हम लोग जिस वक्त से दुनिया आबाद हुई है और अब तक का टाइम देखें, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से और तमाम फैसिलिटीज़ के हिसाब से। सही है, हमारे पास छत है, एसी है, सब चीज़ें जो भी, और मगर इसी इन्हीं उसमें इश्यूज़ भी सबसे ज़्यादा इस टाइम में रेज हो रहे हैं। हाँ, वॉर्स वगैरह इस सेंस में नहीं हो रही कि सब तलवारें लेके निकले हुए हैं, मगर ये इशू है कि मेंटल इलनेस और ये चीज़ें आज के ज़माने में सबसे पीक पर हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी इस बात पे एग्री करूँगा कि जो मतलब इसने एक बेस बनाई पहले एक एलिवेट करने के लिए स्टोरी को, वो मुझे भी बहुत स्लो लगी, बहुत स्लो बिल्डअप था। और मतलब कि जब ऐसा बिल्डअप नहीं होता, अगर बिल्डअप ऐसा ना हो कि वो आपके अटेंशन ग्रैस्प कर सके, तो जाहिर सी बात है आप मतलब नहीं पढ़ पाते बुक आगे। अच्छा, जो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ वो है कि इस बुक में लिखा हुआ है एवरीथिंग बीइंग फक डजंट रिक्वायर होप, होप रिक्वायर्स एवरीथिंग बीइंग फक। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। वजह ये कि अगर तुमने ऑथर माइलो की गुड इनफ पढ़ी है, तो सो यू विल सी सम स्ट्राइकिंग पैरेलल्स, राइट? इन गुड इनफ द बुक माइलो सेज दैट द पर्सन हैज़ अ कैपेसिटी टू परसीव अ फ्यूचर, so he gets restless and he wants to improve, so hope is born. But here in this book he says that pursuit of happiness is causing a crisis of hope. हाँ, and मुझे नहीं लगता दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बात है। पढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, तो वो होप रखता है। हाँ, तो स्ट्राइकिंग पैरल, इसीलिए तो मैं इस बात से शायद एग्री ना करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल सही। अच्छा, और एक और बात बड़ी जो मुझे अट्रैक्ट, मैं जिस चीज से हुआ कि इसने जो ये बात की ना, सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन, तो इसने इस तरह से कनेक्ट किया कि जो भी सिस्टम है हमारा, जो टीनेजर्स हैं, कॉलेजेस में जो भी लोग हैं, उन लोगों को ये फीड किया जाता है कि तुम्हारा सिस्टम ख़राब है पूरा, और सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए फिर लोग निकलते हैं। तो इसने एक बड़ा सैवेज मोमेंट लगा मुझे, दो डायलॉग्स हैं, तो खैर स्टोरी बहुत लंबी इसने बिल्डअप की हमेशा की तरह कि वो लोग बाहर, जब 9/11 के बाद से कोई एक पॉलिटिकल चला था, क्या कहते हैं, हाँ, प्रोपोगेंडा टाइप का, तो उसमें लोग बैनर्स लेके खड़े हुए थे, तो इसे एक तो ब्रेन वॉश तो नहीं, एक तरह से कन्वर्सेशन कर रहे थे इसे क्लासमेट्स या जो कॉलेज में लोग थे। तो आखिर में बात ये आई कि उस बंदे ने बोला जो इससे बात कर रहा था, कि मैं इसको लिबरलिज्म के ऊपर एड्रेस करूँगा थोड़ा सा, कि यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड मैन, ही सेड द ट्रुथ इज स्केरी। तो इसने जो रिप्लाई किया बड़ा अच्छा था, इसने बड़ा इसको फनी उसमें लेके गया कि मैंने इंटरनेट के ऊपर ये कोट रीड किया था, और इसने बोला आई थिंक योर माइंड इज सो ओपन दैट योर ब्रेन फेल आउट। तो इस तो असल में जाहिर सी बात है हर कोई भाई अलग लेसन डिराइव करता है इस बुक से। सो व्हाट आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस बुक इज दैट यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इनर हेल्थ, योर इनर पीस, and I hope this book sets an agenda in coming years ke mental health should not be considered taboo. aur yahi baat aakhir mein main sirf do line hai jo isi book mein se page 147 ke upar the formula of humanity chapter ka naam hai, isme se main do line padhunga. intention ke upar baat ho rahi thi ke maturity has nothing to do with age, what matters are a person's intentions. अच्छा, तो वी हाईली रिकमेंड दिस बुक एंड यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड एज सेड बिफोर के बाय टू रीड दिस बुक, मगर इतना मतलब इसमें यू विल री इवेल्यूएट योर प्रिंसिपल्स के यू विल एटलीस्ट नॉट री इवेल्यूएट, यू विल रीविजिट योर बिलीव्स के व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सोसाइटी वी आर लिविंग इन। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक एंड यू शुड ऑल्सो रीड दिस वन एंड गिव अस what and tell us what you think about it. ab baaki ka end bhi kar do, nahi bol raha, acha sahi hai. see you in the next episode, till then goodbye, Allah Hafiz.